अब यहाँ पे जब स्विगी जोमेटो प्लेटफॉर्म में इतने सारे आउटलेट्स आ जाते हैं तो उनको भी मुश्किल हो जाता है कि भाई किस आउटलेट को वो ऊपर दिखाएं, रैंक करें उनके उनके एल्गोरिथम के हिसाब से। तो यहाँ पे जो भी पेड एडवर्टाइजमेंट करता है और उनकी गाइडलाइंस को पूरी करता है वो उसको प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। दूसरा, यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा आउटलेट्स हो जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं। और अगर मान लीजिए पहले 10 क्लाउड किचन होते थे और 100 कस्टमर होते थे तो हर किसी के पास 10 ऑर्डर चले जाते थे। अब यहाँ पे 100 क्लाउड किचन हो गए हैं और 100 ही कस्टमर हैं, ठीक है जी। तो आप देखेंगे तो हर किसी के पास एक या दो ही आएगा या और किसी के पास तो आएगा ही नहीं। दूसरा, हम लोग बोलते थे कि भाई जो प्रॉफिट्स हैं हमारे 3-4 लाख हो रहा है, हमें प्रॉफिट नहीं बचता है। अब यहाँ होता क्या था, पहले जो स्विगी जोमैटो के जो भी कमीशन्स होते थे बहुत ही कम होते थे, 5% से उन्होंने स्टार्ट किया था, करते करते अब आप देखेंगे टोटल 30% हो जाता है। पर अब आपको 30 नहीं समझना, इसको 40 समझना है, क्योंकि 10% मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ आपकी पेड एडवर्टाइजमेंट के। आपको पेड एडवर्टाइजमेंट करानी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, आप सोच रहे हैं कि मैं बिना पेड एडवर्टाइजमेंट के अच्छे खाने से, अच्छे इससे उससे, पैकेजिंग से, ये करके अपने जोमैटो पे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर लूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ा कर लूँगा, तो कुछ नहीं होने वाला। तो कह लीजिए कि आपको 40% तो जोमैटो को या स्विगी को देना ही है, आपका बिज़नेस नहीं चल सकता। तो दो यही